कांग्रेस अपमान करती आ रही है, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है गुल्ली जी सुन लीजिए, जो जो बदतमीज आदमी चौधरी चरण सिंह का अपमान करे वो पाप का भागी होगा, श्राप का भागी होगा, नरक का भागी होगा। और ये चहल साहब कर रहे हैं, अभी बोला है हमने तो चौधरी चरण सिंह को बगैर किसी शर्त भारत रत्न देने का स्वागत किया। हमने तो कहा कुलजीत चहल ने बदतमीजी की है, कुलजीत चहल ने प्रधानमंत्री के नाम से उद्बोधन किया कि अब किसानों का भला हो गया। हमने कहा भारत रत्न को राजनीतिक रूप से देने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री करते हैं तो ठीक, तो आप आज की डेट में माफी कुलजीत चहल को मांगनी चाहिए। कुलजीत चहल को मान लीजिए, चौधरी चरण सिंह का अपमान करते हैं, चौधरी चरण सिंह के कामों का अपमान करते हैं, चौधरी चरण सिंह को बताते हैं कि उनको सिर्फ क्या नाम मोदी जी ने दिया भारत रत्न। आज की डेट में कुलदीप चहल चौधरी चरण सिंह का अपमान कर रहे हैं, जाटों का अपमान कर रहे हैं, किसानों का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो न तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का बगैर शर्त स्वागत किया है, बगैर किसी बट के स्वागत किया है, लेकिन कुलजीत चहल जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चौधरी चरण सिंह के किए गए कामों को कम हाथ करके भारतीय जनता पार्टी को ऊपर कर रहे हैं, चौधरी चरण सिंह से ऊपर कर रहे हैं, चौधरी चरण सिंह के कामों को अंडरमाइन कर रहे हैं और चौधरी चरण सिंह को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। हम हमारी दुखी की बात छोड़ दो, ये नाटक और नौटंकी जी न्यूज पर बैठ करके बंद करो। कुलजीत चहल ये हमने बहुत कर रखी, इमरजेंसी के टाइम ये नाटक और नौटंकी हमने बहुत कर रखी है। किसान का बेटा नाटक और नौटंकी को बंद करो। चौधरी चरण सिंह के नाम के पीछे, चौधरी चरण सिंह के काम के पीछे छुपना बंद करो। किसानों को एमएसपी दो, 700 किसानों की हत्या की है तुम लोगों ने, उस हत्या पर माफी मांगो। किसान का सम्मान, 700 किसानों की हत्या की है तुमने, उन 700 किसानों से माफी मांगो। जमीनों की इनकी बंधक रखने की बात करी है उस पर माफी मांगो। सिंह जी को माफी मांगो इस पर। और आज की डेट में इस सम्मान को, भारत रत्न के सम्मान को जो चौधरी चरण सिंह को मिला है, वो चौधरी चरण सिंह जी के सम्मान का राजनीतिकरण जो आपने किया है उस पर माफी मांगो चुकी है। उस पर माफी मांगो कुलजीत चहल, पूरी भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे, नरेंद्र मोदी माफी मांगे, इनको समझ नहीं आ रहा, भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे, नरेंद्र मोदी माफी मांगे। और जिस तरीके का भाषण कुलदीप चहल दे रहे हैं, ये चौधरी चरण सिंह का अपमान मिला तो भारत रत्न छोटा हो गया। चौधरी चरण सिंह का अपमान कर रहे हैं। अगर गांधी परिवार को भारत रत्न मिले तो भारत रत्न बड़ा हो जाता। चरण सिंह का अपमान करने वाले कुलदीप चहल को भारत रत्न मिले तो भारत रत्न बड़ा हो जाता। माफी मांगनी होगी। एक किसान बेटे को भारत रत्न मिले, एक किसान बेटे को, चौधरी चरण सिंह का अपमान करने वाले आप किसान आज छोटा हो जाता है। आपकी सोच छोटी है। चौधरी चरण सिंह का अपमान करने वाले कुलदीप चहल को हमेशा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ओबीसी का ओबीसी के खिलाफ रही है। और जिस तरह से आपने चौधरी चरण सिंह का पहले भी अपमान किया, आज भी आप अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं सहन करेंगे। चौधरी चरण सिंह का अपमान करने वाले कुलदीप चहल को दोबारा सुनवा दीजिए, इनको किस तरह से भारत रत्न राजपूती यारों को आपने लगाया ना। एक मिनट सुरेंद्र जी कुलजीत जी, यारों को आपने लगाया ना कि राजनीतिक इस्तेमाल के लिए भारत रत्न दिया गया है। सुरेंद्र भाई ये बात तो आपने कही ना, ये आरोप तो आप लगा रहे ना कुलजीत जी कि आपने राजनीतिक इस्तेमाल के लिए दिया है। नहीं, मैंने बिल्कुल ये आरोप नहीं लगाया। मैंने ये कहा कि कुलदीप चहल ने जैसा कहा कि अब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया, इसके बाद किसानों की क्या समस्याएं खत्म हो गई। मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने कुलदीप चहल की बात को दोहराया। कुलदीप चहल ने बदतमीजी की, कुलदीप चहल ने चरण सिंह का अपमान किया, कुलदीप चहल ने भारत रत्न का, भारत रत्न का को छोटा कर दिया गया। आपने कहा चौधरी चरण सिंह जी को और पीवी नरसिंह राव को देखे बिल्कुल भारत रत्न को छोटा कर दिया गया। चहल ने कहा, मैंने नहीं कहा गया, ये आपने किसान का अपमान किया है, आपने पिछड़े वर्ग का अपमान किया। कुलदीप चहल को मैंने कोट अनकोट किया, आप माफी नहीं मांगेंगे। कुलदीप चहल ने पिछड़े वर्ग का अपमान किया, जाटों का अपमान किया, किसानों का अपमान किया, मजदूरों का अपमान किया। इन्हीं कारणों से आप खत्म हो चुके हैं।
आपका प्रोजेक्ट फेल हो चुका है। आज कांग्रेस पार्टी की जो हताशा हो गई है वो आप जैसे प्रवक्ता हो, आप जैसे लोगों के कारण हो चुकी है। दीपक चौरसिया जी, ये जो मुर्गे लड़ा रहे हो आप अपने जी न्यूज पर बैठा करके, ये बंद करो और देखो निकालो मैंने क्या कहा। मैंने आपको मुर्गा नहीं कहा, वो माफी मांगा। अरे सुरेंद्र भाई।